ध्यान और आध्यात्म, ये दो जो चीजें हैं उनको डिफर करना कितना मुश्किल होता है? ध्यान और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। ध्यान दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एक तो विधि के कॉन्टेक्स्ट में, टेक्निक के कॉन्टेक्स्ट में। बदलते वक्त, बदलते दौर के साथ लोगों में कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर है कि मेडिटेशन अब जरूरी पार्ट है, और इसीलिए शायद अब मार्केट में या हम यूट्यूब्स पर बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर्स हैं या फिर ऐप है जिसके ज़रिए लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे में आपका ऐप कितना डिफरेंट है, क्या सही उम्र है जिसमें मेडिटेशन कराना चाहिए, और ख़ास करके आपके ऐप के ज़रिए क्या ऐसा वर्क केटर हो सकता है? मेडिटेशन किस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर समग्र विकास जो करता है वो कैसे करता है, मेंटली फिजिकली किस तरीके से काम करता है, ये हमें बताइए। कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो हो सकता है ये जो ग्रे मैटर इनका ज़्यादा है ये डाइट से कोई लेना देना हो, इनकी लाइफस्टाइल से लेना देना हो। बात सही है कि किसी एक व्यक्ति को अगर मेडिटेशन करना है तो कितनी देर तक करना है और कितने वक्त के लिए करना है? तो 13 मिनट की मेडिटेशन करने से आपको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ अध्ययन तो 10 मिनट भी बताते हैं। मेडिटेशन बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन अगर आप करते हो, लंबे समय तक कर रहे हो, निरंतर करते आ रहे हो, तो वजन पे भी कंट्रोल हो सकता है। नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज फिर से हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिससे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में सब परेशान हैं कि कहीं तो उनको जीवन में ठहराव मिले, मानसिक शांति मिले, लेकिन लोग बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर भटकते हैं लेकिन फिर भी उनको मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। लोग बहुत सारे मेडिटेशन का भी जो है यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर लोग जो है एक्सरसाइज उसको देखकर करते ताकि कहीं ना कहीं से आपको मानसिक शांति मिल सके, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाती है। तो आखिर क्या करें जिससे कि ऐसी भागती दौड़ती ज़िंदगी से आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, थोड़ा सा आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव ला सके, खुशी ला सके, ताकि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो और ज़्यादा उन्नति हो। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रमन मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमन मित्तल का परिचय मैं कराऊं, उससे बेहतर मैं यही चाहूँगी कि ये खुद अपने बारे में बताएं, क्योंकि आज जिस तरीके से ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि आप इनके एक तरीके से मैं कहूँ कि परिचय के साथ ही समझ में आ जाएगा कि वो आपके जीवन में किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो रमन जी, अपना परिचय देना हमेशा मुश्किल होता है पल्लवी जी, तो मेरे को हमेशा कन्फ्यूजन होती है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं एक टू द न्यू नामक एक आईटी सर्विसेज कंपनी का कोफाउंडर हूँ। ये कंपनी हमने 2008 में स्टार्ट की थी, और कोइंसिडेंटली मैंने अपनी पहली मेडिटेशन रिट्रीट भी उसी दौरान स्टार्ट की थी। तो अभी मैं आज टू द न्यू के बारे में कम बात करता हूँ, सिंस हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो हम मैदानिम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और मेडिटेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो 2008 के अराउंड ही मैंने एक मेडिटेशन रिट्रीट किया, और मैंने उस समय जो शांति का अनुभव किया था वो मैंने उससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। उस समय मैं 27-28 साल का था जी, और परमात्मा की कृपा रही कि टू द न्यू बहुत अच्छी चली। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन टेक सर्विसेज स्पेस। बट मेरे को हमेशा से एक रुझान था कि मेडिटेशन के अराउंड कुछ किया जाए, ना तो उतनी क्लैरिटी थी कभी और ना ही हिम्मत हुई कि एक टेक सर्विसेज कंपनी जो कि अच्छा कर रही है उसमें बहुत ग्रोथ का स्कोप रहा है और अभी भी है, उससे हटके हम मेडिटेशन के अराउंड कुछ करें। तो लोग कोविड को काफ़ी गालियां देते हैं, कोविड ने काफ़ी तबाही मचाई, बट मेरे लिए एक अवसर भी था। तो जब कोविड हुआ देन उस समय हम लोग टू द न्यू के अंदर ही एक मेडिटेशन ऐप को ढूंढने का हमने बेसिकली इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उस समय सब लोग वर्क फ्रॉम होम वाले एनवायरनमेंट में हो गए थे, बहुत स्ट्रेस बढ़ गया था,
बिलोंगिंगनेस कम हो गई थी, जनरली एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ गई थी, सब लोग परेशान थे. तो हमको लगा कि ऐसा कुछ अगर होगा तो शायद उनको मदद मिलेगी, क्योंकि हमने उस ध्यान का स्वाद भी चखा है. तो हमने देखना स्टार्ट किया, वी इवैल्यूएटेड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल एप्लीकेशंस. तो उस समय फिर हमको लगा कि मे बी ये परमात्मा का एक क्यू है कि हम खुद से स्टार्ट करते हैं. तो उस समय हमने मेडिटेशन ऐप की स्टार्ट करने का बेसिकली इनिशिएटिव लिया, जिसका नाम इदानिम है. और इदानिम को अब लॉन्च हुए 2 साल हो गए हैं. आई एम वन ऑफ द टीचर्स एट इदानिम. देखिए, जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल होता है कि किसी एक चीज़ को आप कर रहे हैं और दूसरी चीज़ में आप एक तरीके से कहें कि उसको स्टार्ट करना, नेसेंट एज में उसको देखना, फिर उसको आगे लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन आईटी सेक्टर, और जैसा मैं अपने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त भी कहा कि आजकल जो लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ आईटी सेक्टर, एवरी सेक्टर इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. पीपल आर डिप्रेस्ड, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और शायद ये वजह है कि सबसे ज़्यादा आईटी के लोग, बिल्कुल, वो चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जिससे कि मानसिक शांति उनको मिले. तो आपने जिस तरीके से ये सोचा और आपने एक ऐप बनाया है, तो क्या आप ये जो आपका जो प्रोफेशन था टेक सर्विसेज का, उसमें एक कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज आ गया था जहां आपको लगा था कि अब ये नहीं हो पा रहा है, आप कुछ और करना है, कुछ तो होगा जिससे कि आपको मेडिटेशन की तरफ बढ़ना पड़ा? तो इसके 2-3 रीजंस रहे. एक तो डेलॉयट की एक रिपोर्ट है जो 2022 में पब्लिश हुई थी. अच्छा. उसमें कॉरपोरेट इंडिया के ऊपर वो स्पेसिफिक है. तो रिपोर्ट बताती है कि करीबन 60% लोग जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, वो वन ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज से परेशान है, जिसमें एंग्जाइटी आएगा, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, इंसोम्निया आएगा, लॉस ऑफ मेमोरी आएगा, लॉस ऑफ फोकस आएगा. तो ये मल्टीपल हमारे सिम्टम्स हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के, और उसमें सबसे ऊपर आईटी आता है. और टू द न्यू वी टेक प्राइड इन बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क. वी फिगर इन टॉप 100 कंपनीज टू वर्क फॉर इन इंडिया. और जैसा मैंने बताया कि हम 4 co-founders हैं टू द न्यू के, उनमें से सारे के सारे ही माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के ऊपर डीप प्रैक्टिस करते हैं. तो हमको था कि हाँ जी, ये एक हमारे, हमने एक चीज़ को सुना, केवल सुना नहीं हुआ, उसको अनुभव किया हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है. तो उसको हम अपने लोगों को कैसे दे सकते हैं. तो शुरुआत जो इदानिम की हुई थी वो टू द न्यू के लोगों के लिए हुई थी. फिर हमको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, फिर हमने इदानिम को टू द न्यू से बाहर भी अवेलेबल करवा दिया. नाउ द ऐप इज़ अवेलेबल ऑन iOS, Android, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री फॉर ऑल. सो वी, हम लोग उसकी कुछ चार्ज नहीं करते हैं. तो जब हमको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, लोगों से मिला, अपने लोगों से मिला, तो हमने उसको फिर बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल करवाया. तो मल्टीपल चीज़ें थी, हमको फ़ायदे क्लियरली दिखते हैं, हमने अनुभव भी किए हैं, और अब हमको जो फीडबैक मिलता है लोगों से, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं बहुत सारे, और अब 15 साल से लेकर 70 साल के लोगों तक हम इदानिम के यूज़र्स बेसिकली इदानिम के ऊपर ध्यान करते हैं. और अब तो छोटे शहरों से भी हैं, बड़े शहरों से भी हैं, कॉरपोरेट से भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, एज आई सेड रिटायर्ड भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं. तो ध्यान ऐसी चीज़ है जो हर किसी को एटलीस्ट सुना हुआ है कि उसके फ़ायदे होते हैं, और कोई ना कोई ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी, बोलना थोड़ा सा मिसनोमर होगा यहाँ पे, क्योंकि ध्यान परेशानी से परे है. परेशानियाँ तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है. बिल्कुल ठीक बात है. अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, क्योंकि आप आईटी क्षेत्र के लोग रहे और एकदम से ध्यान की तरफ बढ़े, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको फेस किया, और इस चीज़ को देखते हुए आप लोगों ने इसका एक फॉर्मेशन किया, ताकि ना सिर्फ आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फ़ायदा मिले, बल्कि पूरे देश में या विदेश में कहें, जो लोग इससे जूझ रहे हैं उसको भी फ़ायदा मिले. एक सवाल है जहन में, ध्यान और आध्यात्म, ये दो जो चीज़ें हैं उनको डिफर करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आईटी इज़ ऑल अबाउट साइंस, आप टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, लेकिन जब आप ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान और आध्यात्म
कहीं ना कहीं एक साथ चलता है, तो फिर किस तरीके से इसको अलग कर पाते हैं आप लोग? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं जी, और आप अपनी जिंदगी से उसका आंसर दीजिएगा। क्या आपने ऐसा आपको कभी महसूस हुआ है कि आप खाना खा रहे हो बट खाने का स्वाद आपको याद ही नहीं है, आप बस खा गए? कई बार होता है, कई बार होता है। घर से कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, कहीं पे भी कुछ और रास्ता देखा ही नहीं, बस पहुंच गए। हाँ, कई बार ऐसा। सुन रहे हो किसी को, मेरे किसी से बात कर रहे हो, अभी तो मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अगर कई बार हम बात करते हैं बट सुनते नहीं है, हमारा ध्यान ये होता है कि मेरे को इसको जवाब क्या देना है। बुक की चार पेजेस पढ़ लिए और पता ही नहीं है कि वो पेजेस में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग होशपूर्ण नहीं होते। ध्यान और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। ध्यान दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एक तो विधि के कॉन्टेक्स्ट में, टेक्निक के कॉन्टेक्स्ट में, कि मैं सांसों पे ध्यान लगाऊं, कि मैं ओम चैंटिंग करूं, कि मैं बॉडी के प्रति सजगता करूं या मंत्रों के ऊपर ध्यान लगाऊं, वो हो गई विधि। बट हम ध्यान वो नहीं है, वो भी एक टेक्निक है, बट ध्यान है हम अपनी जिंदगी के प्रति कैसे ज़्यादा होशपूर्ण हो सकते हैं। और उसमें चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे हम किसी से बात कर रहे हों, खाना बना रहे हों, प्रेस कर रहे हों, ब्रश कर रहे हों, क्या मैं अपनी जिंदगी के प्रति ज़्यादा होशपूर्ण हो सकता हूँ? ध्यान वो है, ध्यान जागृति है। और ध्यान और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। अध्यात्म उस कॉन्टेक्स्ट में अलग, कोई ध्यान की कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, अध्यात्म की कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। अध्यात्म हम आत्मबोध के लिए यूज़ कर लेते हैं, और ध्यान को उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल देते हैं कि एक ध्यान के माध्यम से मैं आत्मबोध कर पाऊँगा। और हम अभी आत्मबोध की ही बात करें, जागृति की ही बात करें, जब मैं जागूंगा, जब मैं होश में होऊंगा, तभी मैं आत्मबोध भी कर पाऊंगा। जहाँ पे मैं गुम हुआ जाता हूँ, और गुम कहाँ पे होते हो आप? विचारों के अंदर, राइट? आप कहीं खो जाते हो और आपके हाथ में नहीं होता, आप कुछ भी कर रहे हो, दैट्स वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो वो जब खो जाते हो और जब वापस आते हो, वहाँ पे एक होश होता है, एक जागना होता है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक माया है, वो क्या है? वो यही है कि हम गुम होते रहते हैं, हम सचेत नहीं होते, सजग नहीं होते। तो जब हम किसी भी काम को आप होश से करोगे तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी? ध्यान इज नॉट रियली अबाउट यू नो सिटिंग स्टिल, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, उससे दैट्स अ टेक्निक, बट रियली में एसेंस क्या है? आप जब खाना खा रहे हो, खाने का स्वाद चख रहे हो, तो कैसा लगेगा? आपकी जिंदगी कैसी होगी? बच्चे से बात कर रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मेरा काम होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसको मैं अगर सजगता से कर रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी? ध्यान इज़ अबाउट वेकिंग अप इन लाइफ। बिल्कुल ठीक बात है, और ये हमारे दर्शकों को शायद आज ये समझने का भी मौका मिला है कि जैसा आपने कहा कि ध्यान सिर्फ बैठकर चैंट करना नहीं होता है, ध्यान का मतलब क्या है वो रमन मित्तल ने यहाँ पर बताया है। रमन जी, आपने जिस ऐप का नाम लिया इदानिम, सबसे पहले तो इसके नाम के पीछे का अर्थ क्या है, कैसे आप लोगों ने सोचा कि इसका नाम यही रखना चाहिए? और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि बदलते वक्त, बदलते दौर के साथ लोगों में कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर है कि मेडिटेशन अब जरूरी पार्ट है, और इसीलिए शायद अब मार्केट में या हम यूट्यूब्स पर बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर्स हैं या फिर ऐप है जिसके जरिए लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे में आपका ऐप कितना डिफरेंट है? तो पहले मैं नाम की चर्चा करता हूं, तो मुझे बड़ा प्यारा नाम लगता, प्यारा मतलब लगता है, जो कि अध्यात्म और ध्यान से बहुत जुड़ा हुआ है, या एक तरीके से देखें तो एक ही मतलब है। इदानिम का मतलब होता है नाउ, प्रेजेंट मोमेंट इन संस्कृत, तो ये संस्कृत से आया है। इदानिम का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट, और जो हम होश की बात कर रहे हैं, जो हम जागने की बात कर रहे हैं, जो हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट इज़ द डोरवे। हम कहाँ पर वापस आ रहे हैं जब गुम हो रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट पे। और जब हम गुम हो रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं?
पास्ट और फ्यूचर में, क्योंकि आप कभी ध्यान से देखिएगा, गहनता से देखिएगा, आपका हर थॉट या तो भूत का होता है या भविष्य का। कल मेरे को अपने बच्चे की फ़ीस जमा करवानी है, कल मेरे को कलीग ने ये बोला था, मैं उसको ये जवाब दे देता तो ये हो जाता। हमारी यही चीज़ें चलती रहती हैं। आज मेरे को प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के अभी तक मेरी तैयारी नहीं हुई है। सारे थॉट्स पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, और जब हम थॉट से बाहर आते हैं तब हम प्रेजेंट में होते हैं। तो ध्यान, होश, अध्यात्म और प्रेजेंट मोमेंट काइंड ऑफ सिनोनिमस हैं। तो ये तो हो गई इदानिम के नाम की बात। जी। सारी ये ऐप्स अच्छी हैं अगर इंटेंशन अच्छा है। अगर इदानिम कैसे डिफरेंट है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात कर सकता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि इदानिम फ्री है, तो देयर आर्ट मैनी अदर मेडिटेशन ऐप्स जो फ्री हों। हमने कम्प्लीटली इसको फ्री कर दिया है। इसके अलावा हम लोग लाइव सेशंस करते हैं हर रोज़ सुबह 7 बजे से 7:30 बजे। अब हम ये, मैं खुद की अपनी यात्रा से समझ पाया कि ध्यान के अराउंड बहुत मिसकंसेप्शंस होती हैं, बहुत सारी धारणाएं होती हैं। तो अगर कोई एक कम्युनिटी हो, एक जहाँ पे हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ सकें, वो ज़्यादातर अदर एप्लीकेशंस में यूट्यूब के ऊपर आप नहीं कर पाते। यहाँ पे हम लाइव सेशंस लेते हैं जो हमारे इदानिम के टीचर्स ही कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेते हैं। इसके अलावा हमारा हम कुछ मास्टर क्लासेस करते हैं, हम गेस्ट टीचर्स बुलाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसमें हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जो आपके प्रश्न है ध्यान से रिलेटेड, अपनी प्रैक्टिस से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। तो सभी अच्छा है, बट ये कुछ चीज़ें लगती हैं। एक और चीज़ है हिंदी। बहुत सारी एप्लीकेशंस इंग्लिश के ऊपर फोकस करती हैं, हमारा थोड़ा सा फोकस हिंदी के ऊपर ज़्यादा है। अगेन, लैंग्वेज एक बैरियर आ जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो हमारे ऐप पे दो बेसिकली लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो हिंदी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। बहुत सारे टीचर्स जो हमने लिए हैं, वो ना ही केवल बहुत डीप मेडिटेशन टीचर्स हैं खुद में, उनको जीवन में वो किसी पद तक भी पहुँचे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जी। तो एक टीचर हैं जो गूगल के ऊपर माइंडफुलनेस कोच रह चुकी हैं। okay. एक टीचर हैं जो इंसियाड बिजनेस स्कूल इन सिंगापुर में माइंडफुलनेस कोच हैं। एक उन दो टीचर्स हैं जो 5 साल ऑर्डेंट मंक रह चुके हैं। तो हमने वो जो टीचर्स रखे हैं वो लिमिटेड रखे हैं, ना तो बहुत बहुत सारे हैं, 12-13 टीचर्स हैं, और उनकी खुद की यात्रा बहुत हमारे हिसाब से डीप रही है। दे कम फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो जो कुछ टीचर्स हैं जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो वैदिक ट्रेडिशन से आते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो अलग ट्रेडिशन से आते हैं, यूएस से भी हैं, सिंगापुर से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, इंडिया से भी हैं। तो हमने वो कोशिश की है कि हम ध्यान को किसी एक डब्बे में ना घुसा दें, क्योंकि वो एक होता है कि मेरी ही टेक्निक सबसे अच्छी है, यही ट्रेडिशन सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं है। जिसको जो लुभाए, डाइवर्स किया हमने, ताकि लोगों को जो लुभाए वो उसको अपनाए। चलिए, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका ऐप, जो कि आपने कहा कि फ्री है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए। श्योर। तो इदानिम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे, दोनों पे अवेलेबल है। आप इदानिम के नाम से ढूंढेंगे तो आपको ऐप मिल जानी चाहिए। हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे मेडिटेशंस पोस्ट करते रहते हैं, सारे नहीं कर पाते, बट अच्छा तरीका होगा कि अगर आप ऐप डाउनलोड कर लें। जैसा मैंने बताया कि फ्री है, कोई हम चार्ज नहीं करते, और इसी में हम लाइव क्लासेस भी करते हैं। तो मेरा सुझाव होगा, पहले आप डाउनलोड कीजिए। हम एक और मैं आपने पूछा तो मुझे ध्यान आया, हमने एक लर्न टू मेडिटेट कोर्स अभी डाला है। वो 20 दिन का कोर्स है, हर रोज़ आधे घंटे का। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ करना है, बट उसमें 20 सेशंस हैं जिसमें हमने कुछ ध्यान के विषयों के बारे में बात की, और फिर
गाइडेड मेडिटेशन के, इट्स अ वीडियो कोर्स, तो आप उसको करके ध्यान की यात्रा में कदम उठा सकते हैं और गहरा भी कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे को बैठना कैसे चाहिए, मेरा पोस्चर कैसे होना चाहिए, मैं कितनी देर ध्यान करूं, ध्यान करते हुए बहुत सारे विचार आते हैं, कई बार मेरे को अपने इमोशंस के बारे में पता चलता है, पुरानी यादें आती हैं, तो उन सारे सवालों को हमने उठाया है, उसका जिक्र किया है और उसी से रिलेटेड मेडिटेशन भी किया है। तो अगर आप ध्यान की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो मेरा बहुत आपसे निवेदन है कि आप इस लर्न टू मेडिटेट कोर्स को कीजिए। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। चलिए रमन जी, आजकल जिस तरीके का समय है उसमें सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं या बुजुर्ग ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारी जगहों पर शायद इस चीज़ को समझते हुए बच्चों को स्कूल में आप मेडिटेशन भी कराने लगे हैं। क्या सही उम्र है जिसमें मेडिटेशन कराना चाहिए और ख़ास करके आपके ऐप के ज़रिए क्या ऐसा वर्क केटर हो सकता है? होश में आने के लिए तो कोई ख़राब समय हो नहीं सकता, जागने के लिए कोई ख़राब समय नहीं हो सकता। दलाई लामा ने एक बार एक बात बोली थी जो बहुत पॉपुलर है कि 8 साल का बच्चा अगर ध्यान करना सीख जाए तो एक जनरेशन में दुनिया में वायलेंस ख़त्म हो जाएगी। जब आप होश में होंगे तो वायलेंस कहाँ से आ सकती है? थोड़ा सा आपको जैसे बहुत छोटे बच्चे तो शायद ध्यान नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट में रहते हैं जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका थोड़ा सा दिमाग विकसित होने लगता है, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने लगते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि 12-13 की उम्र में जब आप थोड़ा सा बड़े भी हो गए हैं और थोड़ी सी कच्ची उम्र है, आप ओपन भी हो, जैसे जैसे आप एज बढ़ती है आप अपने आपके विचार उतने दृढ़ होते चले जाते हैं, आप उनसे बाहर भी आना नहीं चाहते, जो भी आपके लाइफ के पैटर्न्स हैं, जो भी धारणाएं हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, इमोशनल पैटर्न्स हैं, बायसेस हैं, वो सारे स्ट्रांग होते रहते हैं, तो वो एक बाधा है। तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे लाइफ में उसकी मिठास उतनी ही ज़्यादा आएगी और जल्दी आएगी जी। साथ ही साथ ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि चूँकि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ जो है इस वक्त बदलते समय के साथ बिगड़ रहा है और इसीलिए शायद हम और आप मेडिटेशन की चर्चा भी कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है मेडिटेशन, किस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर समग्र विकास जो करता है वो कैसे करता है, मेंटली फिजिकली किस तरीके से काम करता है, ये हमें बताइए। ठीक है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट है, उनका नाम है सारा लज़ार। तो वो मैराथन की तैयारी कर रही थी और उस बीच उनको चोट लग गई, फिर उन्होंने मेडिटेशन और योगा स्टूडियो में जाके मेडिटेशन सीखा और वहाँ पर उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उन्होंने बोला कि ये हुआ कैसे, कुछ सांसों के प्रति सजगता और कुछ पोश्चर से मैं ज़्यादा कंपैशनेट फील कर रही हूँ, ज़्यादा कृतज्ञता आ गई है, ज़्यादा काइंडनेस आ गई है, मैं ज़्यादा होशपूर्ण हो गई हूँ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने कुछ लोगों को चुना जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया था और फिर कुछ लोगों को चुना जो 30-40 मिनट हर रोज ध्यान करते थे, बट ये टीचर्स नहीं थे और मंक्स नहीं थे, तो उन्होंने जानबूझ के आप मेरे जैसे लोगों को चुना और उन्होंने देखा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों का ग्रे मैटर ज्यादा है। तो ये पब्लिश हुआ। फिर क्रिटिक्स तो हर जगह होते हैं, क्रिटिक्स ने बोला कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो हो सकता है ये जो ग्रे मैटर इनका ज्यादा है ये डाइट से कोई लेना देना हो, इनकी लाइफस्टाइल से लेना देना हो, बात सही है। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, फॉलो अप रिसर्च की एक्सपेरिमेंट किया। अब उन लोगों को चुना जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया था और पहले फिर उनका MRI स्कैन हुआ, उसको कैप्चर किया, फिर उनको 8 वीक केवल 2 महीने का मेडिटेशन प्रोग्राम उनको रन करवाया जिसमें उनको 30-40 मिनट मेडिटेशन करनी थी। और 8 वीक्स के बाद, 8 हफ्तों के बाद जब उनका दोबारा से स्कैन हुआ, उनका ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। तो जो एमिगडाला रीजन होता है हमारे ब्रेन में जो फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें वो छोटा हो गया था, कॉर्टेक्स
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपैशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पे ग्रे मैटर बढ़ गया था। अध्ययन ये भी बताते हैं कि सेल के अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर एक कैप होती है जिसको टेलोमीर बोलते हैं, तो वो समय के साथ घटती रहती है और उसी से सेल मर जाते हैं, इसीलिए हमको एजिंग होती है। जो लोग ध्यान करते हैं उनकी टेलोमीर ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं और इसीलिए वो एज नहीं होते, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा यंग लग रहा हूँ जी। तो और ये हम अब सबको मालूम है कि स्ट्रेस से ही, स्ट्रेस का बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ का हमारी फिजिकल हेल्थ से, डायबिटीज से, बहुत सारे लाइफस्टाइल बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। ध्यान करने से ब्लड प्रेशर कम रहता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा रहता है, तो बहुत सारे फिजिकल, अब वो बाउंड्रीज ना फिजिकल बेनिफिट्स और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स और साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स की ब्लर हो गई हैं, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। और शायद इसीलिए मेडिटेशन इतना महत्वपूर्ण हो गया बिल्कुल है। और जैसा आप बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, तो और हमारे दर्शक सुन भी रहे होंगे कि अगर जीवन में मेडिटेशन को डाल लिया तो मुझे लगता है कि 95% से ऊपर समस्या जो है वो कम हो जाएगी और लोगों की ज़िंदगी में स्थिरता आ जाएगी। तो जाते जाते हमें ये भी बता दीजिए कि किसी एक व्यक्ति को अगर मेडिटेशन करना है तो कितने देर तक करना है और कितने वक्त के लिए करना है। ड्यूरेशन की पहले बात कर लेते हैं, तो अध्ययन तो ये भी बताते हैं कि केवल 13 मिनट की मेडिटेशन, और ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रकाशित है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के प्रोफेसर्स ने इसका अध्ययन किया था, तो 13 मिनट की मेडिटेशन करने से आपको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ अध्ययन तो 10 मिनट भी बताते हैं। एक्सपीरियंस, मेरे जो एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे लगता है कि 20 से 40 मिनट, 20 मिनिमम, 40 इज़ मोर देन एनफ। हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं, जैसे ड्रीम के टाइम पे अलग होते, सोते हुए अलग होते हैं, डीप स्लीप में अलग होते हैं, काम करते हुए अलग होते हैं, तो जो डीप स्लीप में जो ब्रेन वेव्स होती हैं उस तक पहुंचने के लिए 30 से 40 मिनट लगते हैं। ओके, तो वो अच्छा है। उतना समय अगर आपके पास नहीं है तो 20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्यूरेशन। अब कब तक करें, जिंदगी में कब तक होश रहना चाहिए? तो ये हमारी जिंदगी में जीने की बात हो रही है, होश की बात हो रही है, मिठास की बात हो रही है, तो इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई गोल पोस्ट नहीं है कि मैंने ना इतना कर लिया तो मैं, हम यहाँ पे चेज नहीं कर रहे, किसी माइलस्टोन को चेज नहीं कर रहे, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं मेरे हिसाब से टीचर्स भी और प्रैक्टिशनर्स भी। इस बीच में एक सवाल और भी आ गया जहन में, मैं पूछ ही लेती हूँ। मेडिटेशन, बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन अगर आप करते हो, लंबे समय तक कर रहे हो और निरंतर करते आ रहे हो, तो वजन पे भी कंट्रोल हो सकता है। मुझे मालूम नहीं है पहले भी जी, मुझे कोई स्टडी याद नहीं आती, बट जैसे मैंने बताया कि अब सारी ही चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, सारी ही चीज़ें, बट यहाँ पे मैं अब एक पर्सपेक्टिव दूंगा जी। वजन ज़्यादा है तो उसके कुछ हेल्थ के रिपरकशंस होंगे, कुछ इम्पैक्ट होगा कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उसके लिए तो अच्छी बात है कि आप ध्यान दें, बट अगर उसको आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना ली है, क्या आप उससे भी ओके हो सकते हैं? मैं जैसा हूँ क्या आप मेरे को स्वीकार कर सकते हैं, और आप जैसी हैं क्या मैं आपको वैसा स्वीकार कर सकता हूँ? उसके परे जा सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उसके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई अपने शरीर पे ध्यान ना दे, ध्यान दें, बट उसको साइकोलॉजिकल अगर किसी ने, और बहुत सारे लोगों के लिए वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज जिस तरीके से रमन मित्तल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये कहीं ना कहीं लुभाएगा भी और शायद उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव भी लाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने ऐप बनाया है इदानिम, इदानिम का अर्थ इन्होंने समझाया, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं लेकिन जिस ऐप का जिक्र ये कर रहे हैं, खास करके एक आईटी प्रोफेशनल जिसने मेडिटेशन को चुना, क्यों? क्योंकि उसने खुद महसूस किया कि कितना स्ट्रेस है और इसलिए वो नहीं चाहता कि देश के अलग अलग भागों में या विश्व के अलग अलग भागों में रह रहे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्या से जूझे। इसलिए इदानिम ऐप को आप डाउनलोड करिए, देखिए, समझिए, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएगा। थैंक यू पल्लवी जी।